हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सूखा धनिया यानी कि धनिया के बीज से होने वाले कई सारे चमत्कारी फायदों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्लेवर और साथ ही खुशबू की वजह से धनिया के बीज या फिर कोरिएंडर सीड्स को हर भारतीय किचन में पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, इसके बिना खाने का स्वाद अधूरा रहता है और स्वाद के साथ साथ धनिया के बीज के फायदे भी कई सारे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आपके खाने का पोषण का लेवल यानी कि आपके खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। इसके फायदे और सती खुशबू की वजह से ही फ्रेंड्स, ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और तो फ्रेंड्स, फाइबर, कैल्शियम और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर सूखा धनिया यानी कि फ्रेंड्स ड्राई कोरिएंडर सीड्स की तासीर ठंडी होने की वजह से यह आपके पेट के इन्फेक्शन, एसिडिटी और साथ ही फ्रेंड्स शरीर की जलन जैसी समस्याएं यानी कि बॉडी इरिटेशन प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। इसके अलावा भी इसका सेवन बवासीर यानी कि पाइल्स, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड शुगर और साथ ही फ्रेंड पेट की जलन यानी कि स्टमक इरिटेशन को दूर करती हैं। इसी वजह से फ्रेंड इसे एंटी डायबिटिक पौधे के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, इसके अलावा भी इसका उपयोग कई तरह की समस्याओं के निदान में किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्थ गाइड वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं धनिया का उपयोग आपको कैसे करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप धनिया के बीज का पानी बनाएं। और फ्रेंड्स, इस पानी को बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 6 ग्राम धनिया के बीज, 1 चम्मच चीनी और साथ ही फ्रेंड्स आपको चाहिए 1/2 लीटर पानी। चलिए जान लेते हैं आपको इसे कैसे तैयार करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले 1/2 लीटर पानी में 6 ग्राम धनिया के बीज उबाल दीजिए और जब पानी आधा रह जाए तो आप इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून चीनी को मिला लीजिए और फ्रेंड्स आप इस मिश्रण को गर्मा गर्म यानी कि जब गुनगुना रह जाए जब पीजिए। और फ्रेंड्स, आप इस मिश्रण का सेवन दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं सूखा धनिया के फायदे क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया में मरीज के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति आयरन से होती है। ऐसे में फ्रेंड धनिया में अच्छी मात्रा में आयरन होता है, इसीलिए धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स के सेवन से हमारे शरीर को ज़रूरी आयरन मिलता है और साथ ही फ्रेंड्स खून की कमी को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स आप धनिया के बीज का पानी या फिर चाय बनाकर ज़रूर पीजिए। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस के लिए तमाम उपाय करके देख चुके हैं और फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो ऐसे में धनिया इस मामले में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। हाँ फ्रेंड, इसके लिए आप 1 चम्मच धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स को 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए और जब पानी आधे से कम हो जाए तो आप इसे छान लीजिए और इसे पी लीजिए। फ्रेंड्स, ये पानी आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है, इसीलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करके देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिए आप इसमें चीनी मत मिलाएं। दोस्तों, पेट दर्द में 2 ग्राम धनिया चूर्ण यानी कि कोरिएंडर पाउडर को 5 ग्राम मिश्री के साथ मिला लीजिए और इसे दिन में 2 से 3 बार लेने से गर्मी से होने वाला पेट दर्द यानी कि स्टमक पेन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, रात को धनिया और साथ ही आंवला पाउडर को 10-10 ग्राम पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसे पीने पर कमजोरी और साथ ही चक्कर आने की प्रॉब्लम यानी कि फ्रेंड्स बिजीनेस प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसीलिए आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। दोस्तों, धनिया के बीज ठंडे तासीर के होने के वजह से ये एलर्जी के लक्षण यानी कि एलर्जी सिम्टम्स को कम करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, ऐसे में ये सूजन, लाल धब्बे, पित्ती के खिलाफ सुरक्षा भी करते हैं। इसीलिए फ्रेंड धनिया का पेस्ट यानी कि कोरिएंडर सीड्स पेस्ट आसानी से बनाया जा सकता है। आपको इसके लिए 1 चम्मच शहद और साथ ही 1/2 चम्मच धनिया के बीज का पाउडर एक साथ मिला के पेस्ट बनाना है। इसके बाद इसे एलर्जी वाले हिस्से में आराम से लगा लीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके एलर्जी के सिम्टम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, धनिया के बीजों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए इसके सेवन से सर्दी जुकाम यानी कि फ्रेंड कोल्ड एंड फ्लू से बचाव होता है। जी हाँ, इसके अलावा धनिया में बीटा कैरोटीन और साथ ही फोलिक एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और फ्रेंड्स ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ठीक तरीके से काम करने में मदद करते हैं और साथ ही फ्रेंड्स हमारे इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप भी धनिया के बीज का पानी ज़रूर पीजिए।
दोस्तों धनिया महिलाओं में पीरियड्स संबंधी समस्याओं को दूर करता है। जी हाँ, ऐसे में अगर पीरियड्स साधारण से ज़्यादा, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो, तो ऐसे में फ्रेंड्स आधा लीटर पानी में लगभग 6 ग्राम धनिया के बीज को डालकर खौलाएँ और इस पानी में चीनी डालकर पियेंगे, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ्रेंड्स आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों 20 ग्राम धनिये को 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लीजिए और जब ये 1/4 बचे तो इससे आँखों को धोइए। जी हाँ, यानी कि इससे अपनी आँखों को वॉश कीजिए। फ्रेंड्स इससे आँखों की सूजन और सती दर्द यानी कि पेन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसीलिए आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। दोस्तों सांसों की बदबू की परेशानी में 5 से 10 ग्राम धनिया यानी कि ड्राई कोरिएंडर सीड्स को नियमित रूप से चबाइए। इससे आपके सांसों से आने वाली बदबू यानी कि बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, इसीलिए आप धनिया के बीज को ज़रूर चबाएं। दोस्तों हमारे बालों के झड़ने की असली वजह होती हैं कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स, इसके साथ ही हमारे हारमोन्स का इम्बैलेंस होना, तनाव, साथ ही फ्रेंड्स अनहेल्दी फूड। जी हाँ, ऐसे में धनिया के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स का उपयोग करके आप बालों को गिरने से बचा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए फ्रेंड्स अपने बालों के तेल में कुछ धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर मिलाएं और सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने सिर की मसाज यानी कि हेयर मसाज करने के लिए आप इस तेल का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि धनिया के बीज आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और साथ ही बालों की ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं, इस प्रकार ये आपके बालों के झड़ने की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप कोरिएंडर पाउडर को अपने तेल में मिलाकर इस तेल से अपनी सिर की मसाज ज़रूर कीजिए। दोस्तों बराबर बराबर मात्रा में धनिया और सती आंवला को रात में पानी में भिगोकर सुबह से पीसे और इसे छान लीजिए। फ्रेंड्स इसमें मिश्री मिलाकर पियेंगे तो गर्मी से होने वाला सिर दर्द यानी कि फ्रेंड्स हेडेक से आपको आराम मिलता है। दोस्तों बवासीर में लाभ के लिए आप 10 से 20 ग्राम धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी और सती 10 ग्राम मिश्री के साथ उबालकर पीजिए, इससे फ्रेंड्स बवासीर से बहने वाला खून रुक जाता है। फ्रेंड्स ये पानी आपके थायराइड के उपचार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। जी हाँ, इसके लिए आप धनिया की चाय पी सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में 5 मिनट तक धनिया उबालें और फिर उसे छानकर इसे पी लीजिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी परेशानी से आपको निजात मिलती है, इसीलिए फ्रेंड्स आप धनिया की चाय बनाकर ज़रूर पीजिए। दोस्तों अगर आपके गले में दर्द और सती जलन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में फ्रेंड्स इसके लिए हर 3 घंटे के भीतर 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स को छबा छबा कर इसका रस चूसेंगे, तो फ्रेंड्स यह आपके गले में दर्द व जलन जैसे रोगों से आपको आराम दिलाता है, इसीलिए फ्रेंड्स आप धनिया के सूखे बीजों को ज़रूर खाएं। दोस्तों 60 ग्राम सूखा धनिया 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए और अच्छे से उबलने पर पानी को छान लीजिए। अब इसमें 1 कप मूली का रस और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट को मिला लीजिए और फ्रेंड्स इसकी 5-5 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके पथरी के टुकड़े होकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगे और आपको किसी भी तरह का पेन भी नहीं होगा, इसीलिए फ्रेंड्स आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।